टैम्स किचन की तरफ से आप सबको जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं आपके साथ यहाँ पर लेकर आई हूँ बहुत ही एक यम्मी सी रेसिपी, और बहुत सिंपल रेसिपी जो कि आपने अभी तक मार्केट से लेके खाई होगी, बट आई एम श्योर ये वीडियो देखने के बाद आप मार्केट से लेना बिल्कुल छोड़ देंगे। आज मैं बना रही हूँ आपके लिए पनीर स्टफ कुलचा। तो इसके लिए मैंने लिया है एक मीडियम प्याज, दो टमाटर, 3 या 4 लहसुन की कलियां, और इसको जो है हम रफली चॉप करके इसको चॉपर में डालेंगे, और फिर जो है इसको एक मिक्सचर सा तैयार करेंगे। ये तीनों चीज़ों को मिला करके हमें इसको बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाना है, उसके लिए हमें इसको ग्राइंडर में नहीं करना। तो इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि या तो आप चॉपर में करें या फिर बारीक बारीक काट लें और फिर इसकी हम एक पेस्ट बनाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से, ये बहुत ज़्यादा एक पेस्ट सा नहीं है, तो चॉपिंग में ऐसे ही आएगा सब चीज़ें मिला करके। और अब मैं ले रही हूँ एक पैन में ऑयल, और जैसे ही ऑयल गर्म होता है तो उसमें हम ये अपना जो मिक्सचर बनाया है उसको हम डालेंगे, और थोड़ा सा पकने के बाद इसमें मैं डाल रही हूँ कश्मीरी मिर्च और थोड़ा सा गरम मसाला और सॉल्ट अपने टेस्ट के हिसाब से, और 2 चम्मच जो है इसमें मैं शिजवान चटनी डाल रही हूँ। इससे एक बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अगर आपके पास नहीं है तो आप सिंपल टोमेटो केचप भी डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये कि शिजवान का थोड़ा सा अलग टेस्ट आता है। तो जैसे ही ये मसाला हमारा तैयार होता है, ये ऑयल छोड़ देता है, तो ये एक बहुत सुंदर सा एक मसाला बन के तैयार हो जाता है। इसको हमने एक कटोरी में निकाल लिया है, और ये मेरे पास हैं थोड़े से पनीर कटे हुए, बॉयल्ड स्वीट कॉर्न, कैप्सिकम और प्याज कटा हुआ बारीक बारीक। तो ये सब हमारा जो है स्टफिंग का मिक्सचर है। अब जो है मैं एक कटोरी में लूँगी उस जो मिक्सचर हमने तैयार किया था, 2 चम्मच उसमें से मिक्सचर, और 2 ही चम्मच मैं इसमें मेयोनीज के ऐड कर रही हूँ ताकि इसको एक क्रीमी सा एक टेक्सचर मिल सके। तो हम इस दोनों को आपस में मिक्स करते हुए फिर हम आगे का जो भी है प्रोसेस वो मैं आपको दिखाती हूँ इसको कैसे बनाएंगे। तो ये मार्केट से कुलचे मिल जाते हैं बड़े आराम से, ये प्लेन कुलचा है, इसके ऊपर कुछ भी ऐसा नहीं है कि अनियन या पनीर वगैरह लगा हुआ हो। तो इसके अंदर की साइड पे जो है हम ये मिक्सचर जो मेयोनीज के साथ तैयार किया था ये थोड़ा थोड़ा स्प्रेड कर देंगे, बजाय कि एक प्लेन सॉस लगाने के। और एक बोल में जो हमने बारीक कटा हुआ सामान था उसको डाल करके, और उसमें थोड़ी मेयोनीज सीजनिंग जो हमारी पिज़्ज़ा की सीजनिंग होती है, और थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी केचप डाल करके मिक्स करके फिर हम पनीर को डालेंगे ताकि पनीर टूट ना जाए, क्योंकि बहुत सॉफ्ट होता है पनीर। और इस तरह से हम ये मिक्सचर तैयार करके इसकी हम स्टफिंग करेंगे जो कुलचे थे उनके अंदर। थोड़ी सी मैंने यहाँ पे कश्मीरी मिर्च डाली है ताकि उसका एक सुंदर सा कलर जो था वो मुझे चाहिए था वो लाने के लिए। और अब जो है हम इसको कुलचे के अंदर स्टफ करेंगे। तो आप देख रहे हैं ना कि कुछ बहुत ज़्यादा टफ ये रेसिपी नहीं है। इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ मोज़रेला चीज़, और इसी तरह से दूसरी साइड भी हम अंदर की साइड पे ये सॉस लगाएंगे, और इस तरह से इसके ऊपर एक के ऊपर दूसरा कुलचा रखते हुए, और इसके ऊपर बटर, ऑयल, घी जो भी आप लगाना चाहें अच्छे से लगाएं ताकि अच्छे ब्राउन मार्क्स आएं। और इस तरह से दूसरी साइड पे भी हम बटर या कुछ भी लगा देंगे। आप चाहें तो आप इसको पैन में भी बना सकते हैं, तवे पे, ग्रिल पे भी बना सकते हैं, और मैंने यहाँ ग्रिलर में डाला है। और ये देखिए ब्राउन मार्क्स आने तक इसको अच्छे से पका लिया है। तो दोनों तरफ से इसके ब्राउन मार्क्स आने के बाद ही इसको निकालें, तभी ये थोड़ा सा क्रंची टेस्ट देगा। सी कितना यम्मी अंदर से दिख रहा है ना, और खाने में भी उतना ही ज़बरदस्त है। आप एक बार बनाएं अपनी किचन में और खिलाएं फैमिली को,
छुट्टी का एंजॉय करें और देखते रहिए पैम्स किचन। नई नई रेसिपीज़ आपके लिए हम लेके आते रहेंगे। फिर मिलेंगे अपनी नई रेसिपी के साथ। अंटिल देन कीप कुकिंग एंड बाय बाय।